राम दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एक बार फिर से शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर। आज थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो गया वापिस से, मतलब धूप नहीं है, एकदम ठंडा ठंडा है और ठंडी हवा भी चलने लग गई है। आज हम यात्रा करेंगे गंगानगर के अंदर की। ठंड बहुत अच्छी हो गई है, मतलब अच्छी ठंड, अच्छी वाली ठंड हो गई, मजा आ रहा है ठंड खाने वाली। तो गंगानगर चलते हैं और इस सर्दी के अंदर यात्रा करेंगे तो जो घूमने का मजा ही अलग आएगा। यहाँ पर कुछ किला फोर्ट तो है नहीं, तो सिटी के अंदर की आज यात्रा करेंगे, मार्केट देखेंगे। और गंगानगर जो है वो पुराना, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है बसा हुआ। गंगानगर जो नाम है महाराजा गंगा सिंह जी के नाम से उन्होंने ही बसाया था, बीकानेर रियासत का ही ये पार्ट था। लेकिन जो जो स्थान है गंगानगर की जो खास बातें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। एक तो भाई उत्तर में है और इतना पानी लगता है, ये देखिए फसलें बहुत अच्छी होती है यहाँ पर, तो इसलिए धान कटोरा, धान का कटोरा जरूर कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर मंडी जो है वो भी सरसों के टाइम में, सरसों खूब होती है, नरमा होता है, गन्ने भी होते हैं, किन्नू के इसके बाग भी हैं, संतरे के, ऐसी खूब सारी फसलों के मामले में जो है वो आगे है गंगानगर जो है वो। तो चलते हैं, विजिट करते हैं गंगानगर। दोस्तों हम जो है वो बस स्टैंड के नजदीक गंगानगर का पुरानी आबादी क्षेत्र, ये पुरानी आबादी मार्केट है बस स्टैंड के पास में। राम राम। दोस्तों अब जो हम गंगानगर के अंदर एंटर हो चुके हैं, मेरे साथ में रचना रानी, ये हमारे वीडियो देखती है, हमेशा देखती है, हाँ बिल्कुल, सिस्टर है मेरी। और ये थोड़े दिन पहले हम जो गंगानगर में यहाँ पर शादी थी तो शॉपिंग करने के लिए भी आए थे, वहाँ लेके जा रही है, कहाँ आए थे बताओ? पुरानी आबादी आए थे, ये पुरानी आबादी क्षेत्र है यहाँ पर। हाँ। और हमने खूब सारी शॉपिंग की थी, वो सारी शॉपिंग मैंने करवाई थी क्योंकि मैं यही रहती हूँ ना, इसलिए। इसने अपनी भाभी को करवाई थी। हाँ। तो आज इसको वापस ये साथ में लेके आई है और हम लोग फिर से शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, शॉपिंग कम करेंगे इस बार, शादी नहीं है, थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी करेंगे। दोस्तों पुरानी आबादी तरह देखिए, यहाँ गंगानगर का जो सबसे पुराना है, वो पुराना मतलब कुछ ना कुछ तो था, गंगा सिंह जी ने जो बसाया था उससे पहले, वो यही इलाका है पुरानी आबादी जिसका नाम था रामू की डाणी। गंगानगर पूरा पूरा ऐसे बंजड़ क्षेत्र था, पानी था नहीं, पूरी तरह से सूखा इलाका था और आबादी भी कम थी, लोग भी यहाँ पर एरिया में जो कमी थे। उसके बाद में गंगा सिंह जी ने जो प्रयास किए, उनके प्रयासों से यहाँ पर गंग नहर आई और उसके बाद में इस एरिया की कायापलट हुई। तो गंगानगर का सबसे पुराना जो क्षेत्र है वो है पुरानी आबादी, जिसे जानते हैं हम वैसे है रामू की डाणी। हाँ जी, तो अब हम आ गए उसी स्थान पर, उस दुकान पर जहाँ से ये चूड़ियाँ लेगी। अब इनके क्या जची कि ये चूड़ियों की दुकान पे वापस आ गई है, तो शारदा ही बताएगी, मुझे नहीं पता है। शादी के टाइम जो चूड़ा लेके गई थी ना, वो सबको बहुत ज्यादा पसंद आया था। अच्छा अच्छा, तो मिल वो सेम ही किसी ने मंगवाया है तो वो लेके जाना है। ये लेके गई थी शादी में? हाँ लेके गई थी। अभी एक और जोड़ी लेना है? हाँ अभी एक और लेना है। कितने का है ये बंगड़िया? कितने की? कितने की? ये कितने की? आपके हाथ में ना, ये 200 रुपए की। अच्छा, ये 200 रुपए की?
सेट है कि 200 रुपए का? इतनी 200 रुपए की होगी, 100 की जोड़ी, दो जोड़ी होगी ना। हाँ, और ये 200 रुपए की होगी, ये भी 200 की। हाँ, पिछली बार लेके गए थे, ये भी 200 की। और ये पूरा चूड़ा, ये बीच वाला, ये वाला 150 की जोड़ी है, ये दोनों, वो 100 की चार, ये 100 रुपए की चार है। अच्छा, ये 150 रुपए दो है। अच्छा, लेकिन इसके साथ में तो चूड़ियाँ है ना, किस इस कड़े के साथ? सिंगल है ये, मोटा कड़ा। अच्छा, ये अकेला कड़ा 100 रुपए की दो है? 150। वैसे तो दोस्तों, इस रोड पर जो आप देख रहे हैं इंदुमल कोर्ट की तरफ जाती है, यहाँ पर हम पहले आ चुके हैं, आज फिर यहाँ से नज़दीक से निकल रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम इस साइड में, और इस साइड में स्टेचू है आगे। स्पेशल जुतियां एक रहनी, जुतियां की निरी शॉप है, बंग वीडियो अट करियां सार सार बनाता जाइए। कहाँ पर है वो? अठे ही सीधी ही लाइन में ही है, जुत्ती मार्केट। जुत्ती मार्केट मतलब फेमस है जुतियाँ, क्योंकि हिंदू के चलते हैं तो यहाँ पे ना ज्यादातर तो सूट पहनते, क्योंकि पास में लड़कियाँ पहनती है जुतियाँ। हाँ, तो अच्छा। सूट के साथ में ना सैंडल वगैरह से ज्यादा जुत्ती अच्छी लगती है, तो यहाँ पे जुत्ती बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा। ये आगे देखिए दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह चौक। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह का जन्म 1880 में हुआ था, और छोटी उम्र में ही 1888 में बड़े भाई की मृत्यु के बाद राजगद्दी उन्हें मिली। 1943 में 56 साल राज करने के बाद 62 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। श्री गंगानगर, ये जो शहर है, इसको बसाने और बनाने में महाराजा गंगा सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। रेलवे स्टेशन मार्केट। ये देखिए दोस्तों, रेलवे स्टेशन। उस दिन एक दिन हमने धुंध में आपको दिखाया था, आज जो एकदम साफ मौसम है, ठंड वाला जरूर है। रेलवे स्टेशन के ऊपर झंडा बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये दोस्तों, हम आगे कहाँ पर जा रहे हैं? गोल बाजार। गोल बाजार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये गोल बाजार ही चल रहा है, ये गोल बाजार का एरिया ही है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले ये एक चौक है, श्री केदारनाथ शर्मा। संडे है तो खुला खुला मार्केट मिल गया, नहीं तो भीड़ ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा भीड़ होती है गंगानगर में, सबसे ज्यादा भीड़ इसी एरिया में होती है। अच्छा, इसमें ही है सबसे ज्यादा? हाँ, सबसे ज्यादा इसी में होती है। मार्केट है सूटों की, सूट गंगानगर में लगभग वो फेमस है, गंगानगर के सूट है वो। अच्छा, क्योंकि यहाँ से पंजाब से कपड़ा आता है और पंजाब के सूट फेमस है, तो राजस्थान में गंगानगर के सूट ज्यादा फेमस है। अच्छा, लुधियाना अब और नजदीक है। लुधियाना से कपड़ा आता है ना, तो उस वजह से। ये राजस्थान के बॉर्डर पे है ना, इधर गंगानगर से पंजाब स्टार्ट हो जाता है। हाँ। तो पंजाब से यहाँ कपड़ा आता है, तो सूट बहुत अच्छे मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं। ये जो गोल गोल बाजार देख रहे हैं ना आप, ये गोल बाजार का मुख्य मेन सेंटर पॉइंट है। मेन सेंटर पॉइंट यही है। ये पूरा सर्किल देख रहे हैं दोस्तों, गोल गोल पूरा का पूरा गोल बाजार है। खाने पीने के यहाँ पर ठेले हैं, बच्चों के लिए फूल मालाएं भी है, और खास तौर से सर्दियों के अंदर मोजे और मास्क सबसे ज्यादा ये है। दे दो एक भीम वाला, दो भीम। ये ले भीम। भीम की शक्ति आएगी इसके बाद में। हाँ।
और ठीक है, कितने साल से कर रहे हो ये व्रत? मैं खुद कर रहा हूँ 45 सालों से। 45 साल से गाजर का हलवा बनाते हैं। जी जी, गाजर पाक, गुलाब जामुन, केसर रसमलाई, अच्छा, और रबड़ी बादाम बोटल है, गोवन चिन्नी है। चाचा दो गुलाब जामुन अलग अलग, एक एक कटोरी, एक एक गुलाब जामुन एक एक कटोरी। क्या नाम भाई साहब आपका वैसे? मेरा नाम बलवंत राय जैन है जी, जैन कुल्फा वाले। बलवंत राय जैन, जैन कुल्फा वाले। तो ये कुल्फा क्या चीज है? अभी तो आप गुलाब जामुन और हलवा बना रहे हैं। सर्दी में नहीं चलता, गर्मी में चलता है। अच्छा, पहले अपनी दुकान थी जैन। अच्छा, एक रुक रुक रुक, आपने गुलाब जामुन पर भी रबड़ी डाल दी? जी जी जी। ये कोई खास? एक तो पनीर का गुलाब जामुन है, देसी घी का है, साथ में मलाई के साथ है। एक जो है वो गुलाब जामुन। हेलो भाई साहब, गुलाब जामुन अभी क्या है कि ठंड ठंड की वजह से। अच्छा, इसके ऊपर भी रबड़ी? जी 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 जी, ऊपर काजू डाल के। हाँ जी भाई साहब, ये लो सर। लाओ एक प्लेट गुलाब जामुन और दे दो, ये भी चेक कर लेते हैं। मलाई वाला घेवर है, पनीर वाला। आपकी दुकान में जितना सामान एक टेस्ट करा दो। अरे यार भाई साहब, क्वालिटी के पीछे दुनिया आती है, क्वालिटी चेक करवा। हम तो ग्राहक को हम चेक करा रहे हैं ना। अच्छा, चेक ज्यादा करवाते हैं आप? पहले चेक करवाते हैं, इसलिए भी अगले को पता लगे कि यहाँ कोई क्वालिटी है। चाचा दो मिनट शांत करो, आवाज इधर। मुझे घेवर बहुत जोरदार लगा। घेवर क्या, सारी चीज ही है। हलवा भी अच्छा है, स्ट्रीट फूड। गुलाब जामुन भी एकदम गरम गरम है। ले बेटा, तो दूसरा है। घेवर आगे बेटा, खा के देख। हाँ खा के देख बेटा। घेवर, हलवा, गुलाब जामुन सब एकदम गरम गरम है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। गंगानगर का सबसे बेस्ट है। एक तो आज सर्दी का मौसम है, इसलिए गंगानगर में बहुत ठंडी हवा चलती है। खुले में कोई आइटम नहीं रखने, सब बंद कर देगा। तो नहीं हो, लेकिन गंगानगर के बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो मैंने सूट लिया है। ये कुर्ता है और ये मैचिंग में सलवार है। और ये कितने रुपए का है? 800 रुपए का सूट है। टेस्टी नहीं है, लेकिन पोषक तत्व सारे इसमें। बिल्कुल भी, पालक डलवाने की क्या जरूरी थी? आंवला, पालक, संतरा, पुदीना, नहीं नहीं, धाना। पालक का जूस कौन पीता है? जो पालक का जूस पीता है ना, उसका चेहरा खिला खिला रहता है। सिद्धि मेरे खिल गयो। सुखाड़िया सर के लगे? हाँ, ये सुखाड़िया सर। ये झंडा पहले तो नहीं दिखता था, अभी लगाया गया? नहीं, इसको हो गया 2 साल लगे हुए। 2 साल हो गए।
कर देंगे। कितने का हो गया? ये 20 का। दे दो। बालाजी का मंदिर है, क्या नाम है बालाजी का? कौन से वाले बालाजी? ये हनुमानगढ़ रोड पे पड़ता है बालाजी धाम। अच्छा, और कितना पुराना मंदिर पता है आपको? ये कम से कम हो गया है 20 साल तो शायद हो गया है। 21 साल पुराना हो गया। अच्छा, तो मेन रोड के ऊपर ही इसका मुंह खुलता है। हाँ जी। और उसकी खास बात क्या है मंदिर की? ये गंगानगर का प्रसिद्ध मंदिर है। गंगानगर का प्रसिद्ध मंदिर है। गंगानगर जो गंगानगर में जितना है ये एरिया पूरा इसमें प्रसिद्ध मंदिर है। अच्छा, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और खास तौर से बूंदी चढ़ दिए क्या बालाजी के? तो दोस्तों बालाजी के मंदिर आ गए हैं, प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। मुख्य रोड जो है यहाँ आगे से जो निकलती इसी के ऊपर इनके दरवाजे। चलो, नो मास्क नो एंट्री। मानजी बालाजी धाम। आपका शुभ नाम? जगदीश जोशी। जगदीश जोशी जी, 2002 में बना था मंदिर है? 2001 में स्थापना। 2001 में चैत्र शुद्ध पूर्णिमा 2001 में स्थापना। ये क्या हुआ, पैदल यात्रियों ने बनाया था। यहाँ से पैदल यात्रा जाती है बालशाला सब। हाँ, यहाँ से बालाजी धाम से जो यात्रा जाती है तो यहाँ सब गंगानगर वासी हैं, जो आसपास के जो गंगानगर के जो लोग हैं वहाँ बालाजी धाम में यहाँ मत्था टेक के फिर सालासर रवाना होते हैं। यहाँ से संग लगभग लगभग गंगानगर के आस पड़ोस के गाँव के और प्लस गंगानगर के जो लोग हैं वो सालासर यहाँ से ही मत्था टेक के जाते हैं। अच्छा, तो पैदल यात्रियों ने ही उस समय बनाया था? हाँ, ये पैदल यात्रियों से, इसलिए पहले इसमें पैदल यात्रा संघ था, बालाजी धाम ट्रस्ट बन गया। यह रणथंभौर स्वरूप मंदिर है जहाँ स्वाई माधोपुर में जो बना हुआ है उसके स्वरूप है, वहाँ से पैदल जोत लाई गई है। अच्छा, वहाँ से जोत ले गए थे। और वो जो बालाजी मंदिर में जो जल रही है वो सालासर से पैदल है अभी तक 2001 से रोज मतलब अभी तक अखंड चल रही है। दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर के बाद में हम आ गए हैं एक यहाँ पर अंधों के लिए स्कूल है, अंधाश्रम तो नहीं, आश्रम प्लस कॉलेज है, अंध महाविद्यालय। हाँ, लेकिन अभी जो यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो सब गए हुए हैं अपने घरों में, इसलिए यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है। हाँ, तो यहाँ पर हम आ गए। ये देखिए, इसमें नेत्र चिकित्सालय भी है और नागेश्वर महादेव मंदिर के नाम से है। ये नागेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर दोस्तों काफी सुंदर है और मंदिर का जो ऊपर का शेप है वो शिवलिंग की तरह दिखता है। यहाँ पर नीचे गुफा भी बनी हुई है और ऊपर देखिए आप। शिवलिंग ट्रांसपेरेंट है, देखो ट्रांसपेरेंट शिवलिंग। हाँ देख, ये यहाँ पर जो है वो प्रदर्शनी बनी हुई है। दोस्तों, ये वही नहर है जो गंगा सिंह जी ने बनवाई थी। अब आगे आप बताइए नहर की विशेष। बताओ बताओ।
ये नहर दोस्तों गंगा सिंह जी ने यहाँ पर जब से लेके आए थे, गंगानगर का इलाका सूखा पड़ा था, तो इस नहर के आने से एरिया जो है पूरा हरा भरा हो गया और जैसे कहते हैं कि चमन बन गया। नहर जो जिसका नाम गंगा सिंह जी के नाम पर गंग नहर है, तो ये गंग नहर जो है वो राजस्थान में आने वाली बहुत पुरानी नहर है। गंगा सिंह जी इसी नहर को लेके आए थे पंजाब से होते हुए, और कई दिनों तक उनको संघर्ष भी करना पड़ा था पंजाब के किसानों की जमीन वगैरह से अंदर से होते हुए आई। तो फिर गंगानगर का एरिया यहाँ पर हरा भरा हो गया, दान कटोरा बन गया। ये नहर वही है जिस पे वो गाजर की धुलाई होती है, साधुवाड़ी, अभी हम काड़ूवाड़ी के पास में है, और काड़ूवाड़ी के पास में दो जगह होती है, काड़ूवाड़ा ये काड़ूवाड़ा मंडी पास में ही है, और हमने इसके ऊपर ऑलरेडी साधुवाड़ी काड़ूवाड़ी जो गाजर मंडी है इसके ऊपर वीडियो बना दिया। इसी नहर के अंदर जो मंडी है गाजर की, तो सारे के सारे लोग जो गाजर ला करके यहीं धोते हैं और फिर बोली लग के जाती है, और पूरा पूरा वीडियो आप देखें शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर, ऑलरेडी हम उसके बारे में बना चुके हैं। और अभी इस नहर में पानी थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अपन की तो ज़्यादा ही है, अपन की कोई दम थोड़ा ही है। आप सिर्फ सर्दियों में यहाँ पे धोते हो या गर्मियों में भी? यहाँ पे आसान है, पानी आप अंदर से निकाल लेते हो नहर के? हमें तो इसके ऊपर खड़े होते हैं तो हमें डर लगता है गिर ना जाए। आपको सच में तैरना आता है? आप इसके अंदर चले जाओ तो वापस निकल जाओ। हाँ उसके तो बार भी कर लेंगे। बाप रे, ये पानी बढ़िया है कि पीने लायक है? पीते नहीं है, मतलब कपड़े धोने नहाने के काम में लेते हैं, पीने वाला पानी फिर? अच्छा लेओ, सीजीआर मॉल जो है वो गंगानगर का सबसे बड़ा मॉल है, और बस घूमने के लिए आए हैं और आपको दिखाने के लिए आए हैं, हमारा मकसद यही है। अब सबसे टॉप पर हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर कितने हैं? 7 तक है, 7 कर देता हूँ। अभी जो है वो शायद कोरोना की वजह से या क्या कारण है, एकदम सुना सुना से पड़े पूरा मॉल। सिया ये मजा आ रहा है, है? अच्छा लग रहा है। हाँ। ये गिरी 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 चेक गिरी।
दोस्तों, इस तरह का खाना जो हम रेगुलर नहीं खाते हैं, तो आज यहाँ आए हुए थे और कह रही थी कि एक बार ट्राई तो कर लेते हैं, इसलिए बाकी इस तरह के फास्ट फूड को हम समर्थन में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपने घर को देसी खाना है, बहुत बेस्ट हो रहा है। दोस्तों बाहर का खाना हम कम पसंद करते हैं ना, इसीलिए गैस चूल्हा सिलेंडर सब साथ में रहते हैं और घर पे बना के खाते हैं। हाँ इतने ही पैसे में घर पे आप चाहे, ऐसे तो ये 50-50 रुपए का है, पर इतने रुपए में जितने रुपए यहाँ पर लगाते हैं उतने रुपए में घर पे अच्छे से अच्छा बना के खा सकते हैं। बढ़िया बढ़िया माल। दोस्तों ये भाई साहब हमसे मिलने आए हैं, क्या नाम बताया आपने? चंद्रपाल। चंद्रपाल जी, चंद्रपाल कितने टाइम से देख रहे हो आप? मैं सर आपकी वीडियो देख रहा हूँ, लास्ट 2 इयर्स से देख रहा हूँ मैं आपकी वीडियो। लगभग यात्रा शुरू हुई, यात्रा चित्तौड़गढ़ की सारी वीडियो देखी। आप चित्तौड़गढ़ गए थे, वो सीता झूला चित्तौड़गढ़ साइड का। अच्छा अच्छा, सीता माता जंगल है। जंगल? हाँ जंगल है। तो मैं भी चित्तौड़ रहा हूँ ना, वाइफ की पोस्टिंग थी तो मैं उसे जा नहीं पाया, अब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। गंगानगर जो है इसमें वैसे तो हम घूम लिए, आप बताओ सबसे बेस्ट जगह आपके हिसाब से कौन सी? गंगानगर देखो सबसे बेस्ट तो फिलहाल तो कोई भी आता है ना तो सुखाड़ा सर्कल क्रॉस करता है, ये जो हम सुखाड़िया सर्कल पे है दोस्तों। और इसके बाद जो गंगानगर जो है फार्मिंग वो है, डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जो मेन डोमिनेटेड है वो फार्मिंग है, लोगों का जो मेन रोजगार का है वो फार्मिंग ही है। खूब पानी आता है तो खूब पानी है, धान होता है, धान बाग खूब सारे हैं यहाँ पे रूल्स। और दूसरी गंगानगर की आपको बताऊं कि यहाँ रूल रेगुलेशन बहुत फुल होता है। अच्छा। इवन आप मानोगे नहीं, हर कोई हेलमेट लगाए घूम रहा हो आपको, बिना मास्क के। चलो मैंने तो फिलहाल लगा के उतार दिया ताकि वीडियो अच्छी आ जाए। बिना मास्क के बिना हेलमेट के आप नहीं घूम सकते कहीं, रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा है। और छोटे से छोटे चौराहे के ऊपर भी आप शॉर्टकट नहीं मार, शॉर्टकट नहीं मार सकते, सख्ता बहुत ज्यादा है। दूसरी गंगानगर की आपको बताऊं, यहाँ से लोग फॉरेन बहुत जाते हैं। अच्छा। इवन आप मानोगे नहीं, कनाडा पंजाब वाली बात है, पंजाब वाली बात है। लोगों के पास में तो वो लोग यहाँ तो एक ही काम है, मोस्टली 12th पास करके हर कोई आईलेट्स करता है और फॉरेन। इवन मैंने भी आईलेट्स की थी, कोई कारण से पेपर नहीं दे पाया। अच्छा। और हर कोई फॉरेन जाता है और मोस्टली आप मानो गंगानगर में बहुत लड़के फॉरेन रहते हैं। और मेन तो ऐसी कुछ है नहीं गंगानगर में, ये आपको जो हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू जी। मैं तो बहुत टाइम से सर को कह रहा हूँ, भी कमेंट डाल रहा हूँ नीचे, मन कहता था मैं क्या ये मेरे कमेंट पढ़ेंगे, मैं क्या सेवा करता हूँ बाबा रामदेव की। अच्छा। तो मुझे ऐसा मतलब फील होता था, बाबा कहते थे भी तू कमेंट डाली चल, ये तरह मिलेंगे जरूर। हंसी है कि बार बार दोस्तों, जब बार बार आपकी हर वीडियो नीचे कमेंट आती है तो हमारा ध्यान चला ही जाता है। मैं नंबर भी डाल रहा था, मैं एक आधी बार डालते हैं फिर वो भूल जाते हैं, तो फिर जरूरी नहीं अभी आगे। मेरा मन कहता था भी आप मुझे मिलोगे, और एक दो दिन से मेरा मन हो रहा था आप मुझे मिलने वाले। चलिए आपको धन्यवाद मिलता है। थैंक यू सर, थैंक यू।